मुरादाबाद समाजवादी छात्र सभा ज्यारत साहब लाखी चक्कर की मिलक मुरादाबाद द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन, जिसमें कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में 1.5 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक होने की घटनाएं प्रकाश में आई, जो कि यह छात्रों के भविष्य के साथ सरासर अन्याय हो रहा है आदि मांगों को लेकर समाजवादी छात्र सभा द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। अधिक जानकारी के लिए देखिए पूरी खबर लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ पर। मनोज सैनी के साथ सुनील कपूर की रिपोर्ट, मुरादाबाद। दिया गया है क्या मांगे? ये हमने DM साहब के माध्यम से राष्ट्रपति मोदी जी को ज्ञापन भेजा है और आपने देखा होगा 2014 के बाद से लगातार परीक्षाओं को लेके कितना संशय, कितनी परेशानी छात्र नौजवानों के बीच है। लगातार पर्चा लीक हो रहा है, पर्चे लीक की जानकारी प्राप्त हो रही है। हाल ही की आप घटना देख सकते हैं 17 फरवरी की, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार खबरें थी कि पर्चा लीक हुआ है, पर्चा लीक हुआ है। 60 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे थे परीक्षा में, वो और उनका परिवार सबके सब अंधेरे में हैं इस समय। और आप ये देखें, कल रात मैंने देखा, आज तक के माध्यम से मुझे पता चला है, कानपुर में एक कोचिंग सेंटर है, परीक्षा होने से पहले उन लोगों के पास जिसके साक्ष्य और उनके व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे पर्चा सॉल्व हुआ उनके पास घूम रहा था। उन लोगों ने भी वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को, लोकल नेताओं को, सांसद विधायकों को आवेदन दिया है ज्ञापन कि इस परीक्षा को निरस्त किया जाए। जो परीक्षा ये छात्रों के साथ बराबर लगातार ये छल हो रहा है, छात्र नौजवान वैसे दुखी हैं कि नौकरियां नहीं हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और उसके बाद जब नौकरियाँ निकलती हैं तो पर्चा लीक हो जाता है। तो भैया किस तरीके से आप बताइए ये करेंगे? सपा छात्र सभा की क्या मांग? सपा छात्र सभा ये मांग करती है ये परीक्षा दोबारा कराई जाए, इसे निरस्त कराया जाए और जिन अभ्यर्थियों ने पर्चा दिया है, परीक्षा दी है, उन्हें उनकी पेमेंट रिफंड करी है और इसके बाद जब ये परीक्षा हो उन्हें आने जाने का किराया उनसे ना लिया जाए और जो फीस शुल्क दिया, परीक्षा शुल्क दिया थी, वो ना लिया। और बेरोज़गारी आप देख रहे हैं, बेरोज़गारी चरम पर है। दो जब ये सरकार में आए थे ना, 2 करोड़ साल का रोज़गार देने का वादा, वो रोजगार कहाँ है, कुछ नहीं कहा। और उस पर अगर रोजगार पे बात होती है तो लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए लाइव डिस्ट्रिक्ट न्यूज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।